इंडोनेशियन ओपन 2021 जो बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ था, इसमें डे टू के बाद अब इंडिया के लिए 3 सिंगल खिलाड़ी और 1 डबल्स टीम बच गए हैं। सबसे पहले मेन सिंगल का राउंड ऑफ 32 में साई प्रणीत का मैच फ्रांस का जूनियर पॉपअप के खिलाफ था। इस मैच में साई प्रणीत ने स्ट्रेट सेट में 21-19 और 21-18 के साथ जीतते हुए राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। अब ये प्री क्वार्टर फाइनल वाला मैच आज फ्रांस का ही क्रिस्टो पॉपअप के खिलाफ होने वाला है। फिर मेन सिंगल का दूसरा मैच था किरे सिकंद और अपनाई एचएस प्रणॉय के खिलाफ। इस मैच में के सिकंद ने एचएस प्रणॉय को 2-1 में हराते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब ये प्री क्वार्टर फाइनल वाला मैच आज डेनमार्क का वर्ल्ड नंबर 2 विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ होने वाला है। फिर ओमेन सिंगल के लिए पीबी सिंधु जो राउंड ऑफ 32 वाला मैच जापान का आईहोरी के खिलाफ था, इस मैच में पहला सेट 17-21 में हारने के बाद जबरदस्त वापसी की और लास्ट दोनों सेट 21-17 के साथ जीतते हुए 2-1 में मैच अपने नाम की और फिर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब ये प्री क्वार्टर फाइनल वाला मैच जर्मनी का योभेन ली के खिलाफ आज होने वाला है। अब ये सिंगल के बाद कल 3-3 डबल्स मुकाबला इंडिया के लिए था और तीनों में ही हार मिला है। पहला मैच ओमेन्स डबल का राउंड ऑफ 32 में अश्विनी और एन सिक्की रेड्डी का जोड़ी एक जबरदस्त फाइट देते हुए बुल्गेरियन जोड़ी के सामने 27-29 और 18-12 में मैच हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हुए। फिर मिक्स डबल का पहला जोड़ी सुमित और अश्विनी पनप्पा का जोड़ी पहला सेट 24-22 में अपने नाम की, लेकिन फिर सेकेंड दोनों सेट 12-21 और 19-21 के साथ हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गया। दूसरा जोड़ी ध्रुव कपिला और एन सिक्की रेड्डी को भी जापान का जोड़ी के सामने स्ट्रेट सेट में हार मिला है। 7-21 और 12-21 के साथ ये मैच हारते हुए टूर्नामेंट से ये जोड़ी भी बाहर हो गए। ये कल का प्रदर्शन के बाद आज आप 3 इंडिविजुअल मैच के साथ एक डबल्स में मेंस डबल का राउंड ऑफ 16 वाला मैच एस रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कोरियन जोड़ी के सामने आज खेलने वाले हैं।